हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज बात करने जा रहा हूँ संजय बियर कॉलेज इकोनॉमिक्स बीए एंट्रेंस में क्या क्या पूछती है, कैसा क्वेश्चन का पैटर्न होता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप इस टेस्ट को पास आउट कर सकते हैं और कैसा एंट्रेंस में पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते रहता हूँ, उसके लिए बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ स्कॉलरशिप्स के बारे में और टॉपिक के बारे में या आपकी रिक्वेस्ट जो आती है उसके बारे में। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, स्कॉलरशिप से ज़्यादातर बेनिफिट होता है। तो आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी स्कॉलरशिप कब आ रही और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें या उससे पहले की, तो क्वेश्चन संजय वीर कॉलेज का मार्क्स इकोनॉमिक्स का मीडियम रहता है लेवल, और सीट्स रहती है 180 सीट्स, जिसमें 60 रहती है रिजर्व एसटी और एससी के लिए। तो मेन जो फैट होता है वो 120 सीट्स के लिए होता है। आपको 50% मार्क एग्रीगेट इकोनॉमिक्स में रहना ज़रूरी है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं बीए में। और यहाँ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट भी अप्लाई, तीनों स्ट्रीम के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर आपका 50% रहना ज़रूरी है मार्क्स एग्रीगेट भी और इकोनॉमिक्स में 50%, जिससे आप इस संजय वीर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें पैटर्न की, तो क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है संजय वीर कॉलेज रांची, तो आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं ओएमआर शीट में, जिसको आपको ब्लैक या ब्लू पेन से भरना होता है। और एक अच्छी बात यहाँ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे, तो आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। और यहाँ टाइम आपको 2 आवर्स का मिल जाता है, जो काफ़ी है 50 क्वेश्चंस के लिए। आपका सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th की, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th, इंडियन इकोनॉमिक क्लास 11, स्टैटिस्टिक क्लास 11th। CBSE और जैक के स्टूडेंट अपने सिलेबस में से ही इसको पास आउट कर सकते हैं, कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है बीए, क्योंकि ये एवरेज क्वेश्चन रहता है, जिसे आप इजली बना सकते हैं थोड़ी सी पढ़ाई करके। पर आप अभी से लग जाइए, क्योंकि संजय वीर कॉलेज ने फर्स्ट वीक ऑफ मई से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ ही दिन में 1 मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम ले लेगी। एडमिशन भी जुलाई लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक एडमिशन भी हो जाती है। आप लोगों को किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मेरे से जान सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।